पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक सीएम उम्मीदवार के लिए कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि घोषणा पत्र में आम लोगों की आवाजें शामिल की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा सीएम के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि पार्टी का चेहरा प्रियंका गांधी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और लोगों से संपर्क करने और स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को आगरा के तोरा गाँव में थे। यहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद ने ग्रामीणों से पूछा कि क्या उनकी समस्याएं हैं, जिस पर ग्रामीणों और महिलाओं ने पेंशन न मिलने तथा आवारा पशुओं द्वारा फसल नष्ट किए जाने सहित अनेकों समस्याएं उनके सामने रखी।